खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा। मैं जयपुर के गांधी आश्रम में मौजूद हूँ, जहाँ पर यहाँ 27 तारीख और 28 तारीख का दंगल का आयोजन किया गया है। आयोजन दंगल तो हर जगह होते ही है, लेकिन महिलाओं की भीड़ नहीं लगती थी। इस दंगल में महिला पहलवान आई हुई हैं, इस वजह से यहाँ भीड़ लगी हुई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि महिला पहलवान दंगल में बहुत जरूरी है कि महिलाओं का भी उत्साह बढ़ सके, आगे वो भी आगे आ सके, इस वजह से महिला पुरुष का दंगल हुआ है। बताया जाए। हेलो, ये 3 महिला पहलवान खिलाड़ी हैं और हम ये चाहते हैं कि भाई महिलाओं खिलाड़ियों की कुश्ती देखना चाहते हो? क्या कह रहे थे? अरे हो हो, हेलो, ये मन्ने कासवान के शहर में इतना बड़ा नाम आप दंगल कब से लड़ना शुरू किया है? अधिकतर तो प्रैक्टिस चलती है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, जब हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, पैसे वगैरह की जरूरत होती है तो हम एक बार हम चाहते हैं। अफसर साहब ने इशारा दिया कि जो महिलाओं के पास खड़े हैं वो वहाँ से हट जाए। 2-3 साल हो गए मेला के भारी, जैसे आप आती जाती हैं और पुरुषों के बीच में लड़ती हैं, तो क्या आप महिलाएं लड़ती हैं या पुरुष और महिलाएं लड़ते हैं? आप कब से लड़ रहे हैं? क्या आपके परिवार में पहले भी लड़ते थे? तो आपने आज कहाँ कुश्ती खेल रहे हैं और किसको किसको हराया है, उसका हराने का क्या उद्देश्य है? अधिकारियों को स्वागत दिया जाए, इंचार्ज महोदय जी ने दिया है। देखिए हमारे पास मात्र 2 कुर्सियाँ हैं। क्या नियम होता है? इसका बहुत नियम होता है जी, जैसे खाने के लिए गुटखा पान जो आने वाली पीढ़ी देखते हैं उनके लिए बहुत होता है। आपने किसको किसको लड़ाया है, हराया है? हमने हराया शैतान पलवन को। वो कहाँ का है शैतान पलवन? कटनी जगह। और एक दूसरे को? अधिकतर नहीं जाते, कभी कभी आते, जब बुलाते हैं जब जाते हैं जी। क्या डरना थोड़ा ना, हम पहलवानी कर रहे हैं तो डरेंगे भाई? देखे हमारे प्रधान जी के सपूत सोनू 20 पहलवान थे जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के पहलवान हमेशा इस दंगल में आज 4 साल से आते हैं जी। और भारत के अच्छे से अच्छे पहलवान और पब्लिक के पसंद ये दंगल होता है। मैं अलाउंसर कालीघाटा पहलवान, देश के कोने कोने से पहलवानों को लाके मैं दंगल का ठेका लेता हूँ। पहलवान लाने का लड़ाने का ये मेरा, मुझे ये है कि मेरे देश में, मेरे उत्तर प्रदेश में एक बार पहलवानी फिर से जीवित हो जाए और फिर से पहलवान बन जाए, हमारे भारत का नाम हो। क्या ये तो सब कर कुछ प्रभाव पड़ा था पहलवानी में? नहीं, बहुत प्रभाव पड़ा। हमारे देश की महिला खिलाड़ी मेडल जीत के विदेश से लाई है, हमारे देश के पहलवान एशिया में चैंपियन हुए हैं, बहुत कुछ फर्क पड़ा है पहलवानी का। महिला पहलवान को इसलिए आवश्यकता पड़ी ताकि महिलाओं का भी उत्साह वर्धन हो, आत्मबल हो, वो देखें नारी समानता और उनका उत्साह वर्धन हो इसीलिए। और ये क्यों, पहले का उद्देश्य क्या है इसका, क्यों लगवाया गया था ये? पहले का उद्देश्य ऐतिहासिक मेला है, ऐतिहासिक मेला है, बहुत पुराना मेला। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें।